दोस्तों, ऋषिकेश और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी नाम की जगह एक बार फिर से चर्चा में है। इस जगह पर बुधवार 21 जुलाई 2021 को एक हादसे ने सबको हिला दिया। इस पहाड़ी हाईवे पर चलती एक कार के ऊपर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर गिरा और उत्तराखंड के एक बेहद संभावनाशील शिक्षक प्रोफेसर मनोज सुंदरियाल की अकाल मृत्यु हो गई। इस वीडियो में हम इस तोता घाटी के बारे में विस्तार से जानेंगे। आखिर तोता घाटी नाम की ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है? यहाँ पर जानलेवा हादसे क्यों होते हैं? इस वीडियो में आपको तोता घाटी का इतिहास भी बताएंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही 10 जुलाई और फिर 18 जुलाई 2021 को मैं भी ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी इलाके से गुजरा हूँ। तब भी कई जगह पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे। हम बड़े संभल संभल कर और बड़े डर डर कर इस इलाके से गुजरे। ये तोता घाटी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और ये ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की सबसे टफ जगह मानी जाती है। ये टॉप पर है और नीचे बहुत गहराई में सीधे नदी है। ये बहुत डेंजर इलाका माना जाता है और यहाँ पे कई हादसे भी हो रहे हैं। बहुत डेंजरस जगह है। तोता घाटी में ऐसी हालत इसलिए हो गई क्योंकि यहां केंद्र सरकार की 12,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना के तहत पहाड़ों को काटा गया है। इस जगह से हमारे गुजरने के 3 दिन बाद ही 21 जुलाई 2021 को तोता घाटी में ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने पहाड़ के एक हिस्से में शोक की लहर और चिंता फैला दी। टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्र नगर कॉलेज में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज सुंदरियाल ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के तोता घाटी नाम के स्पॉट के पास पहाड़ से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आ गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद तोता घाटी फिर से चर्चा में है। इस वीडियो में तोता घाटी से जुड़ा किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ। इसका नामकरण कैसे हुआ, उसका किस्सा बताने से पहले तोता घाटी की लोकेशन जान लेते हैं। तोता घाटी ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर ऋषिकेश और देवप्रयाग के बीच है। ये एक सख्त चट्टानों वाला बहुत ऊंचा पहाड़ है और इसके ठीक नीचे बहती है गंगा नदी। नीचे गंगा आपको दिख रही है, हल्की सी घास दिख रही होगी, बहुत नीचे है और हम लोग एकदम टॉप में चल रहे हैं ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। ये ऑल वेदर रोड, सख्त चट्टानों और पथरीले पहाड़ से तोता घाटी के नामकरण की बुनियाद पड़ी है। ये 1930 के दशक के शुरुआती वर्षों की बात है। तब देश गुलाम था लेकिन ये इलाका टिहरी रियासत के अंतर्गत आता था और उस समय टिहरी के राजा थे नरेंद्र शाह। ऋषिकेश से देवप्रयाग की ये सड़क उन्हीं के दौर में बनी हुई है, लेकिन तब देवप्रयाग तक सड़क बनाने का ठेका लेने के लिए कोई ठेकेदार तैयार नहीं हुआ क्योंकि आज की तोता घाटी नाम की जगह में चट्टानों को काट पाना तब बेहद चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में टिहरी के प्रताप नगर इलाके की भदूरी पट्टी के रौनिया गांव के ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ ने ये कठिन काम अपने जिम्मे लिया। हालांकि तोता सिंह के लिए ये बहुत घाटे का सौदा साबित हुआ क्योंकि उस दौर में आज जैसी अत्याधुनिक मशीनें नहीं थीं। लेकिन बताते हैं कि तोता सिंह ने उस पथरीले पहाड़ को घन से, छेनी से, सब्बल से कटवा दिया। साल 1931 में उन्होंने ये काम शुरू किया और उस सख्त चट्टान को काट कर 1935 में सड़क बनाकर दिखा दी। कहा जाता है कि तोता सिंह रांगड़ को इस चैलेंज को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ बेचना पड़ा था। उन्हीं की हिम्मत को सलाम करते हुए उन्हीं की स्मृति में पहाड़ की इस चोटी को तोता घाटी नाम दिया गया है। ये जगह पहाड़ के टॉप पर घाटी जैसी फैली हुई है। ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ ने कितना कठिन काम किया इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब जब करीब 90 साल बाद चार धाम परियोजना के तहत
इस पहाड़ी हाईवे को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, तो तोता घाटी नाम की इस जगह पर इन चट्टानों को अत्याधुनिक मशीनों से काटने में ही करीब 6 महीने लग गए। इस वजह से ये हाईवे कई महीने तक बंद रहा, जबकि तोता सिंह ने इन पहाड़ों को सब्बल और घन से ही कटवा दिया था। 90 साल पहले जब ये मोटर मार्ग बना था, तब ऋषिकेश में कैलाश गेट के पास एक शिलापट भी लगवाया गया, जिसमें इस सड़क के बनने का कालखंड संवत में दर्ज है। उसमें तब के टीरी राजा नरेंद्र शाह और उनके दीवान चक्रधर जुयाल का नाम गुदा है। लेकिन इस सड़क को तैयार करने में अपनी सारी जमा पूंजी झोंक देने वाले ठेकेदार तोता सिंह का नाम तक नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि जब राजा नरेंद्र शाह को ये पता चला कि तोता सिंह रांगड़ को इस सड़क को बनाने में बहुत घाटा उठाना पड़ा, तो उन्होंने अपनी राजधानी नरेंद्र नगर में उन्हें काफी जमीन दिलाई। तोता सिंह रांगड़ बाद में अपने गांव से नरेंद्र नगर आकर बस गए। तोता सिंह रांगड़ का जब निधन हुआ तो वो 86 साल के थे। उनका परिवार आज भी नरेंद्र नगर में रहता है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना ऑल वेदर रोड के तहत चौड़ी की जा रही ये सड़क आज भले ही दूसरी वजहों से चर्चा में हो, भले ही इन दिनों यहाँ से गुजरना एक डरावना अनुभव हो। पहाड़ों पर व्यापक रूप से हुए कटान की वजह से जगह जगह पत्थर गिरने का भय हो, लेकिन 1930 के दशक में तोता सिंह रांगड़ द्वारा पहाड़ों को काट कर बनाई गई ये सड़क एक पहाड़ी ठेकेदार की जज्बे, उसके पुरुषार्थ, उसके कमिटमेंट की एक अनूठी मिसाल है।